वेलकम स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिफाइड सिलेबस जो हमारा ऑल यूपी का है उसके बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस प्रोटोजोआ फाइलम के इग्लिना के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोटोजोआ फाइलम का एक एनिमल्स है जो प्लांट और एनिमल्स दोनों की तरह क्या करता है, अपने कैरेक्टर्स को रखता है। तो युग्लिना हमारा क्या है, फ्रेश वाटर आपके पॉन्ड्स डीचेस पूल ये सब में पाया जाता है, जहां पे ऑर्गेनिक डेड मैटर है वहां पे ये और भी ज्यादा पाया जाता है। और ड्यूरिंग रेनी सीजन ये क्या करता है, इम्पार्ट करता है ग्रीन कलर इनटू द वाटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। तो ये फाइलम हमारे प्रोटोजोअन्स का है। सब फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ क्या होता है, यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है। सब फाइलम क्या होता है, सर्कोमेस्टिगोफोरा। सुपर क्लास क्या होता है, मेस्टिगोफोरन्स मींस इट बियरिंग ए फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा, बिकॉज प्लांट लाइक आपका होता है इसलिए इसको क्या है, फाइटोमेस्टिगोफोरन्स। ऑर्डर युग्लिनिडा और जीनस युग्लिना। और अगर हम स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे तो युग्लिना वैरिडस बहुत सारे स्पीशीज है, लेकिन नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास में स्टडी करते हैं वो युग्लिना वैरिडस। युग्लिना मींस क्या होता है, यू मींस होता है ट्रू, यू मींस आपका क्या होता है ट्रू, और ग्लिना मींस होता है यू मींस ट्रू यानी सही, और ग्लिना मींस होता है आई स्पॉट या आई पिप्यूल्स, तो उसको हम कहते हैं युग्लिना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि युग्लिना के बारे में हम स्टडी करें कि ये इट इज अ यूनिक एनिमल्स। क्या है, यूनिक एनिमल्स है विथ फ्लोरल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फ्लोरल मींस प्लांट, यानी इसका न्यूट्रिशन का मोड क्या है, प्लांट की तरह है। एंड फौना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, एनिमल्स लाइक। इसलिए ये ऐसा एग्जाम्पल है एनिमल्स का जिसको प्लांट और एनिमल्स दोनों की तरह हमारा क्या है, इसका फ्लोरल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड फौना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। अब इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में जानते हैं कि हैबिट और हैबिटेट क्या है। तो फ्री लिविंग है और सॉलिट्री है, मींस अलग एकांत जीने वाला, फ्री लिविंग। बट कहाँ कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर आपका पॉन्ड में डीचेज में पूल में और स्लो रनिंग स्ट्रीम में, और जहां पे ऑर्गेनिक डेड मैटर है वहां पे क्या होगा, वो ज्यादा आपका पाया जाएगा। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम पूरे युग्लिना देख सकते हैं। तो युग्लिना में आपको क्या दिख रहा है, आपको हम अगर युग्लिना को देखेंगे तो स्टडी करेंगे तो हम दो तरह से इसका स्टडी कर सकते हैं, एक्सटर्नली हमें क्या दिख रहा है और इंटरनली हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, तो युग्लिना का अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसका शेप और साइज कैसा है। तो शेप आपको कैसा लग रहा है, शेप फ्यूजी फॉर्म है, ठीक है, स्पिंडल शेप है, और साइज हमारा कैसे वैरी करता है। तो पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं फिर इसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, साइज के बारे में पढ़ते हैं। तो शेप ऑफ साइज देखेंगे तो क्या है, हमारा युग्लिना कैसा है, फ्यूजी फॉर्म है, स्पिंडल सेप्ट है विथ ब्लंट एंटीरियर इंड, एंटीरियर इंड ब्लंट है और पोस्टीरियर इंड क्या है, पॉइंटेड है। तो ये हमारा शेप है, और साइज हमारा क्या है, साइज हमारा 50 to 500 माइक्रोन है साइज हमारा। अब एंटीरियर इंड में हम देखेंगे तो एंटीरियर इंड हम अगर एक्सटर्नली देख रहे हैं तो पहले हम एंटीरियर इंड को देखते हैं कि एंटीरियर इंड का स्ट्रक्चर कैसा है। तो एंटीरियर इंड का स्ट्रक्चर देखिए, हमने क्या बताया, ब्लंट एंटीरियर इंड है, और एंटीरियर इंड में क्या है, कप लाइक डिप्रेशन है। ये क्या है, कप लाइक डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन जहां पे ये पॉइंटेड आउट है या ओपन है इसको हम क्या कह रहे हैं, साइटोस्टोम कहेंगे। और ये कप लाइक डिप्रेशन हमारा लीड करता है एक कैविटी में और रिजर्वॉयर। ठीक है, तो ये साइटोस्टोम जहां ये बाहर की तरफ ओपन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, साइटोस्टोम। और ये जुगुलेट लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे साइटोफेरिंग्स। वहां देख सकते हैं, ये सिर्फ शॉर्टली बता रहे हैं आपको। और अंदर जो जहां पे बहुत ज्यादा स्पेसियस कंटेन करता है, स्पेस कंटेन करता है, इसको क्या कहेंगे, रिजर्वॉयर। यहां आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, साइटोस्टोम जहां से ओपन हो रहा है, फिर ये क्या कर रहा, कंटेन कर रहा हमारा साइटोफेरिंग्स में, और साइटोफेरिंग्स किस में, आपका लार्ज रिजर्वायर स्ट्रक्चर। लेकिन इसके अंदर हमें क्या देखना है कि टू क्या है, आपका फ्लैजिला, वन लॉन्ग फ्लैजिला इमर्जेंट, यहां से इमर्ज हो रहा है, लॉन्ग फ्लैजिला इमर्ज हो रहा है।
और उसी के अंदर और ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा स्मॉल फ्लैजिला भी है, यानी एक लॉन्ग फ्लैजिला फॉर मूवमेंट और एक इसी रिजर्वॉयर के अंदर क्या होता है, कंटेंट रहता है, इससे बाहर नहीं निकलता है। और जब हम लॉन्ग फ्लैजिला को देखेंगे तो लॉन्ग फ्लैजिला के साइड में एक तरफ क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, थिकनेस होता है। इस थिकनेस को हम क्या कहेंगे, पैरा फ्लैजिलर बॉडी। ये थिकनेस वन साइड में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थिकनेस को हम क्या कह रहे हैं, पैरा फ्लैजिलर बॉडी, जो क्या करता है, लैक्टोफ्लेविन को कंटेन करता है। क्योंकि स्टिग्मा और पैराफ्लेजुलर बॉडी क्या करता है, फोटोसिंथेस क्या है, फोटोरिसेप्टर आपका इसका ऑर्गेन्स है। तो इंटीरियर सो इजी इंटीरियर में क्या है, कप लाइक डिप्रेशन है जो लीड करता है साइटोफेरिंग्स में। साइटोफेरिंग्स किसमें ओपन होता है, लार्ज रिजर्वॉयर में, लार्ज रिजर्वॉयर। और लार्ज रिजर्वॉयर में क्या है, हमारा फ्लैजिला दिख रहा है, दो फ्लैजिला, एक लॉन्ग फ्लैजिला जो इससे इमर्ज आउट हो रहा और एक शॉर्ट फ्लैजिला। और ये दोनों फ्लैजिला कहाँ से हमारा इमर्ज हो रहा है, ये हो रहा है आपका ब्लेफरोप्लास्ट जस्ट बीनीथ, या जस्ट क्या है, आउटसाइड द रिजर्वायर, या रिजर्वायर के नीचे देखिए दो आई लाइक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहेंगे, ब्लेफरोप्लास्ट कहते हैं या काइनेटोप्लास्ट कह सकते हैं। अब एंटीरियर इंड के बाद हमारा क्या है, स्टडी करेंगे हम फ्लैजिला के बारे में। तो फ्लैजिला हमारा क्या है, आप देख सकते हैं ये क्या है, हमने फ्लैजिला बताया, अगर सबको मैं इरेज कर दे रही तो फ्लैजिला आप देख सकते हैं क्या है, फ्लैजिला लॉन्ग है आपका, कहाँ से इमर्ज हो रहा, सेम वही आपका ब्लेफरोप्लास्ट आई लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने क्या बताया, ब्लेफरोप्लास्ट, ठीक है। और फ्लैजिला हमारा क्या है, दो फ्लैजिला है और एक फ्लैजिला शॉर्ट फ्लैजिला है और एक फ्री आपका फ्लैजिला है जो बाहर की तरफ आपका थ्रेड लाइक एराइजेस हो रहा है बेस ऑफ रिजर्वॉयर और प्रोजेक्ट आउट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, मतलब साइटोजोम्स या साइटो, अच्छा इसको हम इस एंटीरियर इनको साइटो स्टोम क्यों कहें, साइटो स्टोम क्यों कहें, क्योंकि जस्ट लाइक सेल की तरह क्या करता है, ये लिक्विड को इंगल्फ कर, लिक्विड चीज को क्या करता है, फूड के रूप में अंदर लेता है। साइटो मीन सेल की तरह, स्टोम मतलब माउथ, यानी लिक्विड सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड चीज को ये नहीं डाइजेस्ट करता, ये लिक्विड चीज को डाइजेस्ट। तो फ्लैजिला हमारा कहाँ से मर्ज हो रहा है, रिजर्वॉयर के बेस में, दो आपका आई लाइक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहेंगे, ब्लेफरोप्लास्ट। और अगर हम फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखेंगे तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर सभी फ्लैजिला की तरह क्या होता है, वही 9+2, यानी ये आउटर शीथ है फ्लैजिला का ये, और इसमें क्या होता है 9, कितना सब हमारा सब फाइबर्स है 9, ये हमारा सब फाइबर्स कितने होंगे 9, मान लीजिए सपोज दैट 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, तो एक फाइबर में क्या है हमारा दो, एक सब फाइबर में क्या है दो, और सबका क्या होता है एक डायरेक्शन में होता है, यानी सेंट्रल हमारा क्या है 9, पेरिफेरल क्या है 9, और सेंट्रल में भी हमारा क्या होता है दो, यानी 9+2। फ्लैजिला का हमारा जो जनरल फॉर्मूला होगा वो 9+2 होगा, यानी 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल। तो पेरिफेरल जो हमारा जिसे कवर होता है उसको आउटर हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल सीथ, और जो सेंट्रल में होता है उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल पेरिफेरल सीथ। इसके अलावा एक सब हमारा क्या होता है, और भी इसके अलावा हमारा 9 और क्या होता है एडिशनल फाइबर्स होता है 9, जैसे देखिए 1, 2, 3, सपोज दैट ये कितना है 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, तो ये हमारा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। और ये फ्लैजिला कहाँ से इमर्ज हो रहा है, यही आई स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहेंगे, काइनेट, क्या बोलेंगे, ब्लेफरोप्लास्ट, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये फ्लैजिला में हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, क्या दिखेगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है। तो इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, आप ये क्या है, मेस्टिगोनीम्स, क्या बोलेंगे, मेस्टिगोनीम्स, यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इसी को हम कहेंगे मेस्टिगोनीम्स। तो फ्लैजिला बहुत आसान है। आफ्टर दैट पेलिकल, हमारा क्या है पेलिकल, पेलिकल पूरी बॉडी इसकी कवर होती है किससे, टफ्ट मतलब कठोर, इलास्टिक, थीन पेलिकल बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो युग्लिना हमारा, ये युग्लिना है हमारी, ठीक है, युग्लिना का स्ट्रक्चर अगर मैं बना रही तो पूरी बॉडी इसकी क्या है, ये रिजर्वॉयर और जो भी, तो पूरी बॉडी हम आउटर स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो पूरी बॉडी हमारी कवर होती है किससे, आपकी टफ थिक पेलिकल से,
ठीक है, ये पेलिकल हमारा कैसा होगा, ये पेलिकल फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, और इस पेलिकल को हम पेरिप्लास्ट भी कह सकते हैं। और अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये पेलिकल, ये देखिए, ये पूरी कवर क्या है, ये बाहर की टफ्ट जो है ये क्या है, पेलिकल है। और पेलिकल हमारा जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे है। अब अगर हम ध्यान से पेलिकल को देखें तो पेलिकल का स्ट्रक्चर कैसा है, पेलिकल जो है वो क्या होता है, स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है, और बोथ एंटीरियर पोस्टीरियर एंड पे वो क्या होता है आपका अटैच होता है। और अगर हम देखेंगे तो ये हमारा स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या रहता है आपका रिज एंड ग्रूव। और देखिए जैसे ये मैं बना रही हूं, एक रिज दूसरे के ग्रूव्स में अटैच रहता है, ये पेलिकल है। तो ये आपका पेलिकल का स्ट्रक्चर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें इस तरह का रिजेज एंड ग्रूव मिल, यानी पेलिकल हमारा कैसा बना हुआ है, रिज एंड ग्रूव्स का, ये हमारा क्या हो गया, रिजेज, ठीक है, ये रीज, और अंदर जो है वो क्या है, ग्रूव, ठीक है, यानी एक रीज दूसरे के ग्रूव में अटैच फिक्स रहता है, मतलब एक रीज जो है दूसरे के ग्रूव में, एक रीज दूसरे के ग्रूव में, तो इस तरह हमारा एक रीज दूसरे के ग्रूव में, एक रीज दूसरे के ग्रूव में, तो हमारा पेलिकल का स्ट्रक्चर कैसा है, रीजेज एंड ग्रूव में। और अगर ध्यान से देखेंगे तो जस्ट पेलिकल के नीचे हमारा एक और स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे, ये देखिए म्यूकस सिक्रेटिंग बॉडी, म्यूकस सिक्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, म्यूसीफेरस, म्यूकस जस्ट इसके नीचे हम देखेंगे तो क्या है हमारा, म्यूकस सिक्रेटिंग बॉडी जिसको हम कहेंगे म्यूसीफेरस, और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहता है जो इसके मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और नीचे देखेंगे इसमें तो हमें क्या दिखेगा, गॉल्जी बॉडी दिखेगा, ईआर दिखेगा, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर हैं वो सारे हमको विजिबल होंगे। तो पेलिकल्स क्या है, आउटर मोस्ट थिन इलास्टिक टफ्ट कवरिंग है जो बॉडी को पूरी तरह से क्या कर रहा, कव कर रहा है, और ये क्या है, रिजेज एंड ग्रूव में अरेंज है, और जस्ट बीनीथ आपका पेलिकल के साथ हमारे दिख रहा है क्या, म्यूकस सिक्रेटिंग म्यूसीफेरस लेयर और माइक्रोट्यूब्यूल्स। After that, हम इसको ये बोथ हिंड में यहां और यहां दोनों जगह क्या है, फ्यूज्ड है। पेलिकल में हमें और देखिए पूरी बॉडी ये है आपका, पेलिकल कवर किया है तो पेलिकल में हमें और स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, पूरी पेलिकल जो होता है वो पेलिकल में स्ट्रेसिफिकेशन होता है, और इस स्ट्रेसिफिक ये देखिए ब्लू कलर से मैंने किया है इस तरह करके, देखिए ये ब्लू कलर से है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मायोनीम्स, क्या कहेंगे, मायोनीम्स। मान लीजिए ये हमारी युगलिना है, ठीक है, युगलिना का एंटीरियर एंड और ये पोस्टीरियर एंड जो भी है, तो पूरी बॉडी में क्या है आपका मायोनीम्स प्रेजेंट है, पेलिकल से स्ट्रेचिफिकेशन हो रहा है, और ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, मायोनीम्स, ठीक है, तो ये हमारा पेलिकल हुआ। अब हम स्टडी करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो पेलिकल के अंदर जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, इंटरनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पेलिकल के बाद जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे साइटोप्लाज्म को दिख रहा है, तो साइटोप्लाज्म का भी टू डिस्टिंक्ट जोन होता है। आउटर साइटोप्लाज्म का जो क्लियर पतला सा ये जोन है, देखिए एकदम पतला सा क्लियर डेंस जोन है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म, क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म हमारा किसमें बटा हुआ है, एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म, और अंदर की तरफ जो हमारा आपका ग्रेनुलर जोन है जिसमें बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, इंडोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म, ठीक है, तो बहुत ही आसान है। एक्टोप्लाज्म क्या है, बाहर की तरफ जो क्लीन डेंस पतला लेयर है उसको हम कहें एक्टोप्लाज्म, और अंदर की तरफ जो हमारा ग्रेनुलर लेयर है वो क्या है, इंडोप्लाज्म। अब इंडोप्लाज्म बहुत सारे इनकल्सन, बहुत सारे स्ट्रक्चर को इंक्लूड करता है। तो इन साइटोप्लाज्मिक इनकल्सन में हम क्या क्या देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए न्यूक्लियस, हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस कैसा है, तो न्यूक्लियस क्या है, ओवल है, राउंडेड है, और क्या है, लार्ज इन साइज, कैसा है, ओवल है, राउंडेड है, और बड़ा है, साइज में बड़ा है, और सिचुएटेड
इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सिचुएटेड है लगभग सेंट्रली, लेकिन किस तरफ? टुवार्ड द पोस्टीरियर, एंटीरियर तरफ नहीं, कहां बोलेंगे? पोस्टीरियर इनकी तरफ। आपका सेंट्रली प्लेस हमारा क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? हमारा न्यूक्लियस का है। अब न्यूक्लियस में क्या है? बीचों बीच हमारा क्या है? आपका हेट्रोक्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारा क्या कहेंगे इसको? इंडोजोम्स। यानी ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया? इंडोजोम्स का हुआ। और इसमें थ्रेड लाइक आपका बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारा जो है वो क्या है? क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स है। और इस क्रोमोजोम्स कंटेन करता है बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे न्यूक्लियाई को। क्या है? बहुत सारे हमारे न्यूक्लियाई है इसमें। क्या है ये? न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियोलस जिसको बोलेंगे, न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर पाया जाता है। और आउटर ये क्या है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी हमारा जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आपका क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जा रहा है? इंडोजोम्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमोजोम। और ये फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियस का, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में और कौन से स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हमें साइटोप्लाज्म में और कौन से स्ट्रक्चर दिख रहा है? क्रोमेटोफोर्स और क्लोरोप्लास्ट। हम इसको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं या क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ ग्रीन कलर से इसको बनाया है। ये जितने भी हैं ये क्या है? क्रोमेटोफोर्स या क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या है? ये आपका क्या है? यही इस यूग्लिना का प्लांट लाइक जो हमारा न्यूट्रिशन का मूड देता है, यही क्या है? कौन देता है? आपका क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर्स कह सकते हैं। तो ये क्लोरोफोर ये क्या करता है? इट कंटेंट कैसा है? ये स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, ये स्ट्रक्चर कैसा है? सैक लाइक है, रिबन फ्लैट एंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। मतलब देखिए ऐसे 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 इस तरह का स्ट्रक्चर है पूरे साइटोप्लाज्म में। क्या है आपका? ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख सकते हैं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये आपका डिपेंड करता है कि किस स्पीसीज में, अलग अलग आपकी जो स्पीसीज होती है उस पे ये अलग अलग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट और साइज की डिपेंड करती है। तो क्लोरो ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन द क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोप्लास्ट है, तो इसलिए ये क्लोरोफिल ए और बी कंटेन करता है, और साथ ही साथ बीटा कैरोटीन भी ये कंटेन करता है। तो ये किस में हेल्प करेगा? हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। नंबर और साइज मैंने पहले बताया कि नंबर और साइज इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज ऑफ यूग्लिना में ये अलग अलग होता है। और ईच कंसिस्ट, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ईच कंसिस्ट इज सेंट्रल नॉन पिगमेंट पार्ट। ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी फिगर में बताते हैं, सेंट्रल नॉन पिगमेंटेड पार्ट है जिसको हम क्या कहेंगे? पायरेनोफोर, यानी सेंट्रल पार्ट में इसका नॉन पिगमेंटेड, कोई भी कलर या क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर नहीं लिखता है, इसको हम क्या कहते हैं? पायरेनोफोर्स। और ये पायरेनोफोर्स हमारा सराउंडेड होता है वन या टू प्रोटीनस ओवल बाइकॉन्वेक्स पायरेनोइड बॉडीज। किससे? बाइकर, दोनों तरफ से। मान लीजिए सेंट्रल ये क्रोमेटोफोर्स का है, तो दोनों तरफ से हमारा क्या होगा? बाइकॉन्केव, ये क्या करेगा? एक स्ट्रक्चर इसको क्या करेगा? घेरेगा, जिसको हम कहेंगे पायरेनोइड बॉडीज। और ये पायरेलाइन शीथ, पायरेमाइलिन शीथ से कवर्ड रहेगा। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये मैंने क्रोमेटोफोर्स का स्ट्रक्चर को बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है? क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। ये हमारा क्रोमेटोफोर्स है, ठीक है। इस क्रोमेटोफोर्स को मैंने बताया कि क्या कर रहा है, एक स्पेशल बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर दोनों तरफ से क्या कर रहा है, इसको अराउंड कर रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे? पायरेनोइड। और बीच में हमारा ये स्ट्रक्चर, ये क्रोमेटोफोर्स है, बीच का जो हमारा ये स्ट्रक्चर है ये क्या है? पायरेनोफोर्स। ये स्ट्रक्चर हमारे यहाँ से यहाँ पर क्या है? पायरेनोफोर्स। और ये पायरेनोफोर्स को कौन अराउंड कर रहा है? पायरेनोइड्स। और पायरेनोइड्स को फिर सेंट्रली दोनों तरफ से कौन, शीथ को कौन कर रहा है? पैरामाइलन शीथ या पैरामाइलन या पैरामाइलम, कुछ भी बोल सकते हैं, सेम चीज है, पैरामाइलम या तो ये क्रोमेटोफोर का स्टडी है, यानी ये क्रोमेटोफोर्स है, ये क्रोमेटोफोर्स है। तो हर क्रोमेटोफोर्स में आपका साइड की तरफ क्या हो सकता है? पैरानोइड्स होता है और पैरेलम बॉडीज हो सकता है। अब ये छोटे छोटे रेड कलर के जो आप साइटोप्लाज्म में देख रहे हैं बीचों बीच, यही हमारा क्या है? पायरेनोफोर्स। यही हमारा क्या है? पायरामाइलन, ठीक है। तो हम स्टडी करते हैं पैरामाइलन बॉडीज कैसा होता है। तो पैरामाइलन बॉडीज क्या है? ये रिजर्व कार्बो, जो फूड ये सिंथेसाइज करता है उसका जो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा क्या है? पैरामाइलन बॉडीज है। कैसे प्रेजेंट रहता है? अगर इन फॉर्म ऑफ रिट्रेक्टाइल बॉडीज के रूप में आपका प्रेजेंट रहता है पैरामाइलन बॉडी।
जो एक तरह का क्या है, स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर है. क्या है? स्टार्च, मतलब स्टार्च फूड की तरह है. यानी इट इज पॉलीसेक्राइड. कैसा है स्टार्च में, कैसा है ये? पॉलीसेक्राइड है. बीटा फर्स्ट थ्री ग्लूकोन का बना हुआ है. ठीक है, स्कैटर्ड रहेगा. आप देख रहे हैं पूरे साइटोप्लाज्म में हमारा क्या है, स्कैटर्ड है, फैला है. तो स्कैटर्ड रहेगा साइटोप्लाज्म या अदरवाइज आप देख ही रहे हैं अराउंड हमारा कर रहा है. कहां पे कर रहा है? इस पायरेनोफोर्स को. ठीक है, तो पैरामाइलन बॉडीज क्या है, स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, रिजर्व फूड की तरह इसमें वर्क करता है. इसके बाद आप इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स. क्या देख सकते हैं? कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स. ये देखिए कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स, एंटीरियर एंड में रिजर्वॉयर की एक साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हमको लार्ज क्या दिख रहा है? कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स. अगर हम कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स की बात करें तो हमें कॉन्टेक्टाइल, देखिए ये क्या है हमारा, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स है. और इस कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स के अराउंड हमारा क्या होता है, एसेसरी वैक्यूल्स. ठीक है, ये हमारा क्या है, एसेसरी वैक्यूल्स होता है. ठीक है, जस्ट कहां लगा रहेगा, एक साइड में किधर लगा रहेगा, ये आपके रिजर्वायर से अटैच रहेगा. तो ये कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करेगा, इसको ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा. तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स हमारा किससे लगा हुआ है, एक तरफ से रिजर्वायर से लगा हुआ है. तो आपका एसेसरी जो हमारा इसका एसेसरी वैक्यूल्स है, ये क्या करेगा, अपना जो डिस्चार्ज करेगा इसमें करेगा, किसमें करेगा, मेन कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स. और मेन कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स अपना बस्ट करेगा सारा चीज किसमें, रिजर्वायर में. कहां बस्ट करेगा, रिजर्वायर में. तो रिजर्वायर के एक साइड हमारा कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहता है. अब आया स्टिग्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, स्टिग्मा या आई स्पॉट. स्टिग्मा या आई स्पॉट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यू ग्लीना, यू मीन्स ट्रू, ग्लीना मीन्स आपकी आई स्पॉट. तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको देख के हम क्या करते हैं, ग्लीना की स्टडी करते हैं कि ये ग्लीना ही है. तो स्टिग्मा हमारा क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ हिमेटोक्रोम. ठीक है, सेंसिटिव टू लाइट. यानी ये हिमेटो रेड और ऑरेंज कलर का एक हिमेटोक्रोम आई स्पॉट है. ठीक है, या आई कलर है जो कंटेन करता है हमारा कैरेटोनाइड. क्या कंटेन करता है? कैरेटोनाइड. तो देखिए इसकी पोजीशन क्या है, ये देखिए हमारा ये क्या है, स्टिग्मा या आई स्पॉट. इसको क्या कहेंगे, स्टिग्मा या आई स्पॉट, जो क्या है रेड कलर का, मैंने इसमें ड्रॉ भी किया है. तो ये हिमेटोक्रोम का बना हुआ है, जिस जो क्या करता है, कैरोटेनॉइड्स का बना हुआ. तो ये ध्यान देना कि रिजर्वायर के एक तरफ हमारा कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स होता है और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है, आई स्पॉट. ठीक है, आई स्पॉट. और बोथ स्टिग्मा और आपका पैराफ्लेजरल बॉडी, ये दोनों मिलके फोटो सेंसिटिव का काम करता है, फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है. और इस तरह ये मूवमेंट में इसके मदद करेगा. अदर साइटोप्लाज्मिक इनकल्सन, और हमारा क्या बन गया, अदर साइटोप्लाज्मिक इनकल्सन. तो अदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो भी है, तो वो क्या है हमारा, ये बहुत सारा चीज को कंटेन करता है. इसके अलावा साइटोप्लाज्म, ये क्या है, गॉल्जी बॉडी है. ठीक है, ये क्या है, ईआर है. तो गॉल्जी बॉडी कैसे है, स्ट्रक्चर फ्लैटेंड है, ठीक है, पतला है. ईआर कैसा है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के रूप में. इसके अलावा इसमें क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है. तो ये सारे हमारे क्या है, अदर स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आप ग्लीना की पूरी स्टडी कर सकते हैं कि पूरी बॉडी कवर्ड है किससे, आपका थिक और टफ्ट, थीन और टफ्ट इलास्टिक पेलिकल जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसके नीचे हमारा क्या है, और साइटोप्लाज्म में हम क्या देख सकते हैं, इसके मायोनिम्स को. साइटोप्लाज्म में हम क्या देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे क्या है, ये क्या है, मायोनिम्स को हम क्या स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, और बहुत सारे साइटोप्लाज्म में हमें क्या दिख रहे हैं, ये क्रोमेटोफोर्स. यहाँ पे रेड कलर का स्ट्रक्चर जो बना है, ये क्या है आपका, पैरानोइड्स. ठीक है, पैराबोनॉइड या पैरामाइलन बॉडीज, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स, आई स्पॉट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही ऑब्जेक्टिव में पूछता है. पैराफ्लेजुलर बॉडी, फिर आपका ये जहां से हमारा निकलता है वो ब्लेफरोप्लास्ट, फ्लेजुला जहां से इमर्ज होता है. तो इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है. और एक चीज ध्यान देने वाला चीज है कि इसमें हेयर लाइक, फ्लेजुला में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैस्टिगोनेम्स. तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, और इस नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ. ओके, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.